आज हम चेकआउट करने वाले हैं कुछ बिहाइंड द सीन्स फ्रॉम मोहसिन रेकी फर्स्ट एवर रैप सॉन्ग। अभी तो शुरुआत है एंड जो शूट है ना वो बहुत मस्त हुई एंड आप लोगों के साथ ना उसकी सारी कहानियां शेयर करने में ना बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, good morning. This is Naveen and welcome to a new vlog. आज आठवां दिन है लॉकडाउन का, सो हमने लगभग 8 to 9 days, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो विल बी द 9th day, तो 8 to 9 days हमने पास कर लिया है। सो होपिंग कि जल्दी से कोई तो सोल्यूशन निकले एंड वी ऑल गेट सम रिस्पाइट। लेकिन जब तक ये लॉकडाउन है, लेट्स स्टे होम, लेट्स स्टे सेफ। एंड आज 1 अप्रैल को मेरे खास फ्रेंड मोहसिन रेकी का रैप सॉन्ग रिलीज हो रहा है। बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो इट्स ऑलरेडी रिलीज एंड लिंक्स विंक्स सारा कुछ ना डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने देखा नहीं अब तक तो गो चेक इट आउट। एंड ये व्लॉग मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ बिहाइंड द सीन्स जो हमने शूट पर लिए थे। ये एक्चुअली मोहसिन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बंदा दिसंबर से इस पर काम कर रहा है एंड जनवरी से हमने इस पर बातें करना शुरू की। देन वी स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर लोकेशंस टू शूट एवरीथिंग एंड उसने लिरिक्स विरिक्स सारा कुछ लिख दिया। मोहसिन फ्रेंड ही वॉज कंपोजिंग द म्यूजिक विद हिम। जितना हो सके उतनी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अबाउट दिस एंटायर जर्नी। पर सीधा चलते हैं वो दिन जब हमने शूट पे निकले थे। दिस हैपेंड समवेयर अराउंड अर्ली मार्च एंड हम निकल पड़े सुबह सुबह वाशी की ओर जहां पर फर्स्ट शूटिंग लोकेशन था। Whispers in the morning, whispers wakes me up. I can hear your words today, whispers that you're mine. पता नहीं यार, अभी पता चलेगा उधर। हमने शूट एकदम सुबह सुबह शुरू की थी ना, दैट पंच वॉजन देर, वी वर लाइकिंग दैट वाइब। बट लकीली वी हैड रणिता दी विद अस एंड शी वॉज कंटिन्यूसली पेपिंग अप मोहसिन एंड मोहसिन भी धीरे 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 ना ग्रुप में आ रहा था एंड देन द शॉट स्टार्टेड लुकिंग बेटर, एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। This is Vetri Selvin. Vetri is the man behind the camera in this song. And Vetri एक cinematographer रहे, he's very young, very talented. उन्होंने काफ़ी सारे music videos पर पहले भी काम कर चुका है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा excited थे to work with him on this song. So जो shoot जो हो रहा है ना वो दोनों इससे हो रहा है, वो gimbal से भी हो रहा है और handheld भी हो रहा है. And ये actually ना is such a learning curve. मैंने तो कभी music video देखा नहीं है, तो कितना कुछ सीख रहा है कि ये लोग कैसे ये movements करते हैं, कैसे यहाँ से वहाँ handheld movements होता है. Too good. ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने पंगा ले लिया, वो गाना ना यारो मैंने पंगा ले लिया, ऐसा हो गया हाल अभी भाई। गर्मी है एक्चुअली, मैं फ्राई भी हो रहा हूँ गर्मी से, पूरा ब्लैक पहना हो ना ऊपर से, तू भी ब्लैक पहन के है पूरा। सो लोकेशन चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज, क्लासिक रेट्रो लुक आता है साथ में। देख शाम को पहनने के लिए मेरे पास रेड वाला भी है, पर ये क्या कुछ अलग हो जाएगा। हाँ। और वो ब्लैक बहुत पहना हूँ मैंने। शूट के लोकेशंस की बात करें तो वी गॉट अ लिटिल लकी विद दैट। इन फेब्रुअरी मी एंड मोहसिन वी बोथ हैड गॉन सर्चिंग फॉर लोकेशंस एंड मोहसिन हैड फाउंड आउट अबाउट दिस प्लेस इन नवी मुंबई, तो हमें वो जाके चेकआउट करना था एंड लकीली टू आवर सरप्राइज इट वाज सच अ परफेक्ट लोकेशन। जो वाइब मोहसिन को चाहिए था, वेरी रॉ रस्टी, वैसा लोकेशन हमें मिल गया। अबैंडन्ड बिल्डिंग थी, दीवारों पर ग्राफिटी बनी हुई, तो पूरा वो हिप हॉप रैप वाला वाइब आ रहा था। तोड़ने वाला सीन लेते हैं ना इसका। हाँ। पूरा चेन को ना ऐसे नीचे रख, बस साथ में और इसको मार, बस बाउंस होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम रैप वीडियो बनाने से पहले सोच लेना, इतना आसान नहीं है। बट कैसे तैसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, थैंक्स टू नवीन एंड वेट्री, तो कुछ नहीं कर रहा, देखते कैसा निकलता है। थक गया देख बंदा। वो
अभी थोड़ा जान में जाना है। सुबह में मेरी हालत खराब हो गई थी क्योंकि मेरे को लगा शिट मतलब क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। आई थिंक सो टू कम इनटू द वाइब, वो मूड में आने के लिए टाइम लग गया थोड़ा सा। हाँ, दिस गाइज वर देयर टू पुश मी कि चलो थोड़ा एग्रेशन लाओ, ये करो वो करो। मुझे नहीं लगता है बैटरी इतना भागम दौड़ी करता होगा बेचारा। एक तो है ये अपना सुपरमैन, 4 किलो का गिम्बल पकड़ के पूरा दिन सुबह के 7 बजे से अभी तक 2 बज गए 2 बजे तक वो ऑपरेट कर रहा है। सो बिग अपलोड टू देम, शॉट्स हैव कम आउट रियली नाइस। उसने काम किया है ना, बहुत सॉलिड किया है। अभी बस एडिट, बस एडिट के बाद में तो लाइक होपफुली बहुत सही हो। शो निकलते अगले लोकेशन के लिए, आई मीन भोजन। हमारा लगभग ना 50-60% ऑफ द शूट हो चुका है एंड वी आर जस्ट कम हियर टू टेक अ ब्रेक। रौनता दी एंड मोहसिन, दे हैव बुक्ड अ प्लेस ओवर हियर वेर वी आर रेस्टिंग। अभी 3 बज रहे हैं, सो वी गोना क्विकली हैव लंच एंड 4-5 o'clock के आसपास वील अगेन गो आउट शूट सम स्टफ। ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हमने कोई इतना लेवल का शूट किया है, सो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली टू मोहसिन। अभी तक जितना भी काम हुआ है ना, इट्स लुकिंग वेरी गुड एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये बहुत सही होने वाला है। अंदर ही लोग रेस्ट कर रहे हैं, जाके बात करते हैं। मत पूछ, हालत टाइट हो गई अभी। ये एक नैपकिन में ले रहा हूँ सिर्फ मुंह को ठंडा करने के लिए। तो ये थोड़ा नैपकिन टावल ठंडा करके इसको गीला करके मुंह पे रख के मैं थोड़ा टाइम सो जाऊँ 1 घंटा अभी, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं निकल रात की। एंड स्पेशली वो होता है ना, मालूम है सुबह में उठना है, सुबह में उठना है जल्दी 4 बजे 6 बजे, फिर तो मतलब नींद ही नहीं आती। बीप। वन पोर्शन ऑफ राइस और will that be less you think rice jaate hain wahan pe khinch lenge fatak se wine mein na vlog ke liye bas sab taiyar ho rahe hain yahan par navin jo hai aaj navin ne apne project ke liye humko bulaya hamesha baal mera kaam kar raha hai why is he in my interview mujhe get out how are you feeling about the whole project so I'm feeling really excited and I'm so happy और देखो मैंने कल blow dry भी कराया। One eternity later and I'm so excited कि आप लोग जब इसका final product देखेंगे you'll also be very very happy because Mohsin has been really working hard on this and you are really helping him so much Naveen, thank you very 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 much। ये जो बंदा है ना, है मतलब देखने में ऐसा छोटा package है, कहाँ पर है, छोटा package है लेकिन full power है। और भाई ने आज 5 किलो का डंबल उठा के चला है इधर से उधर। मेरी तो हालत खराब है भाई, वो हिम्मत है। एंड फिर वहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया। एक्चुअली इट वाज वेरी स्वीट ऑफ मोहसिन एंड रौनता दी टू गेट अ प्लेस वेर वी कैन ऑल रेस्ट फॉर अ वाइल, बिकॉज इतनी ज़्यादा धूप थी ना, तो वी वर लिटरली एग्जॉस्टेड। एंड फिर वापस शाम को बाहर निकलना ही था। देन वी हैड सम फूड, थोड़ा रेस्ट किया एंड देन अराउंड 4 or 5 o'clock को फिर से वापस चले गए टू गेट दोज इवनिंग गोल्डन आवर शॉट्स। अजय देवगन बन रहा तू, अजय देवगन। नाउ द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो वाज शॉट ऑन अ डिफरेंट डे। मोहसिन एंड बैटरी वो लोग साथ में शूट कर रहे थे वो दिन। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट बी देयर, बट द एम वाज टू लुक फॉर अ वेरी स्ट्रीट अर्बन स्टाइल वाला फील। एंड फाइनली डिसाइड होता है कि दे विल शूट दिस अंडर स्ट्रीट लाइट्स। एंड फ्रैंकली कहूं तो वो सारे सीन्स पूरे सॉन्ग में मेरे फेवरेट है। शूट वूट सारा कुछ हो चुका है, लेकिन अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब शूट के बाद मोहसिन वाज सपोज टू वर्क विद एन एडिटर एंड अ कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट, बट एज यू नो जो क्राइसिस चल रहा है करंटली, हमारे शूट के कुछ दिन बाद द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द जनता कर्फ्यू एंड आफ्टर दैट द लॉकडाउन फॉलोड। सो जो भी प्लान्स थे फॉर द एडिटिंग एंड द कलर ग्रेडिंग दैट गॉट कम्प्लीटली डिसरप्टेड। नाउ दैट एक साथ बैठकर काम नहीं कर सकते हैं, मोहसिन वाज लाइक कि आई विल जस्ट स्टार्ट एडिटिंग ऑन माई ओन एंड उसने एडिटिंग शुरू कर दी। एंड एडिटिंग फॉर द म्यूजिक वीडियो इज नथिंग लाइक जिस आप व्लॉग के लिए एडिट करते हो, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। बट व्हेन मोहसिन ने मुझे फाइनल रफ कट बताया, लाइक आई वाज सो surprised and it looked so good। बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की एंड इवन कलर ग्रेडिंग जो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिकॉज द एंटायर फुटेज वॉज शॉट ऑन फ्लैट कलर, बट ही मैनेज टू पुल इट ऑफ एंड इज लुकिंग सो सो गुड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो एंड व्लॉग से ज़्यादा आई होप आपको गाना पसंद आया हो। मोहसिन ने इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम किया है, ही इज़ बीन वर्किंग ऑन दिस राइट फ्रॉम डिसम्बर एंड फाइनली जो उसका ड्रीम था टू रिलीज दिस सॉन्ग वो रियलाइज हुआ है। लाइक आई एम सो सो हैप्पी फॉर हिम, राइट फ्रॉम राइटिंग द सॉन्ग टू द फाइनल एडिट टू द कलर ग्रेडिंग, सब कुछ उसी ने किया है। सो प्लीज़ गो चेक इट आउट, गिव इट ऑल द लव यू कैन एंड शेयर इट अमॉन्ग एवरीबडी पॉसिबल। वेल दिस इज मी नवीन, मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में एंड रिमेंबर keep following your dreams, रुकना नहीं है, अभी तो शुरुआत है।